नौगछिया के गोपालपुर थाना के हरनाथ चक में टावर के पास अपराधियों ने जमीन ब्रोकरी करने वाले को गोली मारकर एक की हत्या कर दी जबकि एक घायल हो गया है। मृतक हरनाथ चक निवासी वैद्यनाथ यादव का पुत्र पप्पू यादव उर्फ पोकला यादव है। पप्पू यादव के सहयोगी गांव के ही ब्रह्मदेव सिंह के पुत्र हेम नारायण सिंह घायल है। पप्पू यादव को अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। 3 गोली कनपट्टी में लगी है, 3 गोली सीना और पेट में लगी है। पप्पू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू यादव को बचाने आए हेम नारायण और फेमी सिंह को भी गोली मार दी है। गोली जांघ में लगी है। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नौगछिया पहुंचाया जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि पप्पू यादव बात कर रहा था, इसी दौरान 3 की संख्या में अपराधी वहां पहुंचे और पप्पू यादव पर गोली बरसाने लगा। अपराधियों ने उसे कनपट्टी में 3 गोली मारी। अपराधी पूरी तरह अस्वस्थ हो गए कि पप्पू यादव की मौत हो गई। उसके पश्चात ही वे लोग वहां से फरार हुए। परिजनों ने आनन फानन में दोनों को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया जहां पप्पू यादव की जांच करने के पश्चात चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, नौगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण, गोपालपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार अनुमंडल अस्पताल से पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जो कि घटना के समय मौके पर मौजूद था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी है और एक व्यक्ति घायल है। हत्या का कारण पुरानी दुश्मनी बताया जा रहा है। पप्पू यादव जमीन फरोख्त का कारोबार करता था। परिजनों का कहना है कि पूर्व में पप्पू यादव को झूठे केस में फंसाया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया है। की नाम तोरो? हमरा नाम का नहीं आ जा रहा। जिनका साथ घटना होले उके तोरो भाई? क्या भाई बहन? तो 7 भाई 1 बहन। क्या नंबर पर भाई रहो? 2 नंबर। तो क्या नंबर छो? हमरा छी 6 नंबर। बाबू जी का नाम? स्वर्ग बैजनाथ प्रसाद यादव। आ की करे तोरो भाई ने? की काम रोजगार? यहाँ जमीन ब्रोकरी करे। अच्छा, आरो कखनी घटना भेल छे? घटना लम समय 8 बजे के। कई ठो घटना भेल छे? घटना वाला जे मैं मिल छे ना, मैं सर सिंह के द्वारे कागुम आगुम वहाँ की भले बैठलो रहे कि कुछ होय रहे? हाँ बैठले रहे वही। वही अच्छा, वही माँ अभी गोली चलाए दल का है? हाँ वो जगह यहाँ पे ना रहे, यहाँ घर आए। मेरा घर आजकल कई बोले कई फोन करे राजकिशोर सिंह ने बोले के। हाँ तो बीच में अंजाम में उन्हें घटना हो गई। बीच में घटना हो गई। अच्छा की छे पारिवारिक, क्या टा बाल बच्चा छे भाई का? 2 बेटा छे 2 बेटी। नाम जब सबके जाने छो ना? की नाम बोले? बेटी छे 2 गो बड़ बेटा दोनों छोटो छोटो छे। की नाम छे चारों बच्चा के जाने छो? हाँ बोलो की नाम छे? प्रीति कुमारी, छोटी कुमारी, सुमित कुमार और विशाल कुमार। अच्छा, और पत्नी के नाम? पत्नी के नाम गुड़िया देवी। दूसरा जिसको जो और लगा उसका क्या नाम? दूसरा अच्छी नहीं जगह आरो घायल छे वो रिलेशन में की लागे छे? वो सिंह जी के नहीं माने कोन दोनों दोस्त यारियो छे की? नहीं कोई दोस्त यार एकरा में। कौन सिंह छे वो? आज के नाम बोलो जगह लगलो छे पैर सिंह गोरी जगह। आ तो यादव? अच्छा पहिने महीना छे की ककरो गाड़ियो चलबे रहो के भाई? ना ना या गाड़ी बॉडी गार्डियो रहलो रहे? ना गोलीबारी की घटना हुई है सर, इसके बारे में जानकारी? हाँ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि जमीन का कारोबार करते थे और परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व दुश्मनी भी है, तो आशंका है इनको कि पूर्व दुश्मनी की वजह से इनकी हत्या की गई है। जमीन के मामले में नहीं पता चल रहा है कि कोई ऐसा विवाद हो जिससे इनकी हत्या हो सकती है, तो लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी देखते हैं, जांच करते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े। ब्रोकर सर कौन था जो मरा? सर क्या क्या नाम है जो मरे हैं? उनका नाम सुबोध यादव है और इनके साथ एक व्यक्ति और घायल है। घायल का नाम अभी चूंकि परिजन सब रो रहे हैं तो पता करके ही बता पाएंगे आपको उनका नाम क्या है, लेकिन जमीन का काम करते थे, जमीन से ऐसा कोई विवाद नहीं है, कोई बड़ा विवाद नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा की बात सामने नहीं आ रही है। एक ही बात सामने आ रही है कि पहले से दुश्मनी है इनके, जो इनको केस उसमें फंसाने का भी प्रयास किया था लोग पहले जी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये लोग देख रहे हैं, लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर देखेंगे कि क्या कोई जमीन का कोई मामला तो नहीं है जो विवादित हो और उसकी वजह से हत्या हो गई हो। तो एक व्यक्ति को जांघ में गोली लगा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, उनको मायागंज भेजा गया है बेहतर इलाज के लिए और इनकी डेथ हो गई। सर कहा जा रहा है कि जो है खदेड़ कर गोली चलाया है? अभी तो हम लोग कहीं बाहर में थे किसी दूसरे काम में, सुने हैं तो आए हैं, बाकी पीओ पर जाएंगे और परिजन अभी चूंकि बेहाल हैं, रो रहे हैं तो बयान नहीं दे पा रहे हैं, तो पीओ पर जाएंगे। पीओ के आसपास के लोग क्या बताते हैं
उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। एक व्यक्ति को सर उठाया भी गया? उठाया नहीं गया है, वो तीन व्यक्ति थे तो परिजन का कहना है कि वो भी साथ में थे, तो उनसे हम लोग जानकारी लेने के लिए उनको अभी रखे हैं अपने साथ, देखते हैं उनसे क्या जानकारी मिलती है। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं, तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के दीनदयालपुर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग पर CSP संचालक अभिषेक कुमार को मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया और CSP संचालक से 93,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। घायल के भाई का कहना है कि उसका भाई शाहकुंड स्टेट बैंक से पैसा लेकर सुल्तानगंज CSP जा रहा था, इसी क्रम में मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों के द्वारा गोली मार दी गई है और पैसे से भरा बैग लूट कर अपराधी फरार हो गए हैं। वहीं घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल लाया गया है जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के नगर निगम में तीसरा जनता दरबार लगाया गया जिसमें महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन के अलावे सभी वार्ड के पार्षद और नगर निगम के कई विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। सभी वार्ड के दर्जनों लोग अपनी समस्याओं को लेकर नगर निगम पहुंचे जिसमें अधिकतर समस्याएं अतिक्रमण से संबंधित थी। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि आज की जनता दरबार में जितने भी लोग आए हैं उसमें अधिकतर अतिक्रमण से संबंधित आवेदन थे। उसके साथ जलकर नाले, आवास जैसी कई समस्याओं को लेकर भी लोग पहुंचे थे। सभी के समस्या का निदान किया जा रहा है। मेयर ने बताया कि लोगों से मेरी अपील है कि आप अपनी परेशानियों को लेकर हिचकिचाएं नहीं, आप खुलकर मेरे पास आएं। हम लोगों के पास अपनी समस्याओं को रखें, तभी आपकी समस्याओं का समाधान हम कर पाएंगे। वहीं उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि लोग यत्र तत्र पशुओं को छोड़ देते हैं जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो भी पशु पालते हैं वो निश्चित जगह पर अपने पशुओं को बांध कर रखे, उसके मल मूत्र और गोबर को एक निश्चित जगह पर रखे ताकि दूसरे लोगों को इससे किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ने बताया कि आज के तीसरे लोक अदालत में कई लोगों की समस्याओं को सुना गया और उसका समाधान किया गया। उम्मीद है इसी तरह निरंतर समस्याओं का समाधान होता रहेगा और हमारा भागलपुर स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। अपना यहाँ घर है तिलका माझी। तिलका माझी में मेरे घर के पूर्व में अवैध कब्जा कर रात दिन गांजा, शराब, दारू सब चीज वहाँ होता है। मंदिर परिसर है मेरे घर के बगल में सटा हुआ। बहुत रिक्वेस्ट किए, यहाँ कमिश्नर को दिए, मेयर को दिए, कुछ काम अभी तक एक आदित्य जायसवाल को बोले हैं कमिश्नर साहब के, उनको दीजिए, उनसे 4 महीना घूमे, अभी एक तो आदेश दिए हैं, ये जो है क्या नाम है शंकराचार्य अतिक्रमण प्रभारी वही हटाएंगे। वो 4 बार बेचारा गए, खाली हाथ जाने से फायदा नहीं है, वहाँ मारपीट होगा ना, तो गए। अभी बोले हैं हमको जैसी भी अगर उपाय कर दिया जाए, वो नहीं कर रहे हैं, प्रभारी कर देंगे तो हम आपका इतना गाय भैंस बना बना मेरे गेट पास कि हम लोग निकल नहीं पाते, पूरा कचरा नाली में आता है घर में, पूरा अब दिन में जाके भी बैठ नहीं पाते। अब मेरे यहाँ कैंसर पेशेंट है, उतना गंदगी में कोई अगर मर जाएगा। हम मेयर से खुद मिले थे, क्या आश्वासन मिला आपको? अभी भी तो बोल रहे हम काम करेंगे। हाँ, पिछले जून में भी बोले थे काम करेंगे, कहाँ काम कर रही है? क्या लगता है कैंसर? कुछ नहीं, कहे कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं देखने वाला है, कुछ नहीं है ना। पार्षद भी तो यहाँ आकर के बोले तब ना सब, लेकिन कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं काम हो रहा है कहीं, केवल आश्वासन ही है और कोई काम नहीं। हम आए थे कि सड़क पर डॉक्टर्स क्लिनिक है हमारे वार्ड में बहुत ज़्यादा, और गाय भैंस जोड़ना वहीं पर, उसका सब गंदगी फेंकना, मच्छर होता है, क्लिनिक है, बाहर के पेशेंट आते हैं दिखाने के लिए, इन्फेक्शन का डर है। 4 महीने से हम प्रयासरत हैं कि ये जो है गंदगी को हटा दिया जाए। कहाँ पर है ये?
ये है तिलका मांझी हटिया के पास, वहाँ पर कम से कम 20 से 25 डॉक्टर हैं और ये परेशानी है लोगों को। और शाम होते ही मंदिर परिसर में वो क्या बोलते हैं नशा वशा लोग करने लगते हैं, और अगल बगल का एरिया शरीफ लोगों का है, वो लोग डर से विरोध नहीं कर पाते हैं। आज जनता दरबार में क्या हुआ? जनता दरबार में एक बार और हम आके इसको रखे थे, मेयर साहिबा ने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा, वो अपने तरफ से काफ़ी प्रयासरत भी हैं, लेकिन क्या है कि काम तो करना है निगम के कर्मचारी को, वो अगर आदेश का पालन करें तो तुरंत साफ हो जाए। वो ढुलमुल नीति है उनका, आज करेंगे कल करेंगे, करते करते 3 महीना हो गया अभी तक नहीं हुआ है। तो आज फिर हम जनता दरबार में आके याद दिलाए कि नगम का जो कर्मचारी है एक दूसरे पर फेंकता है, कोई बोलता है कि मेरे पास जेसीबी दिलवा दीजिए, तो क्या वार्ड की जनता जेसीबी दिलाएगी निगम में आके कि निगम के कर्मचारी को ही निगम के कर्मचारी से जेसीबी लेना होगा? इसी पर चर्चा करने के लिए आज बहुत परेशानी। आज हम लोगों का ये तीसरा जनता दरबार था और सब तरह की समस्याएं, बहुत तरह की समस्या, उसमें से अधिकतर समस्याएं अतिक्रमण से संबंधित आया और हमने अतिक्रमण शाखा प्रभारी को भी यहाँ पर रखा था, तो वो भी अपनी समस्या को सुने और बोले कि मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। जलकल संबंधित था तो उस पर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, उनका भी काम होगा। रोड नाला संबंधित था तो उस पर भी काम हो रहा है, उनको भी आश्वासन दिया गया कि हाँ आपका काम होगा। 19 समस्याएं कुल आई हैं इस बार जनता दरबार में, और मैं सारे जितनी भी समस्याएं, कुछ पेंशन संबंधित था, कुछ आवास योजना संबंधित था, तो सारी समस्याओं का निदान मैं चाहती हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो। और मैं जो जनता है उनसे मोबाइल नंबर ले ली हूँ, जो भी समस्या का समाधान निकलेगा मैं उनको खुद अपने से फ़ोन करके बताऊंगी कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। और मैं आग्रह करती हूँ आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कि आपके पास जो भी समस्या हैं वो आप हिचके नहीं, आप झेपे नहीं और हम तक अपनी समस्या लेकर आएँ। हम सब, मैं डिप्टी मेयर साहब, हमारे सारे पार्षदगण, यहाँ के अधिकारीगण, कर्मचारीगण सब लगे हुए हैं आपकी समस्या को निदान करने के लिए। आप अगला जनता दरबार में फिर मिलें अगले मंथ के लास्ट मंगलवार को और अपनी काम करने में कहाँ परेशानी आ रही है? ये बहुत कम है, इसकी संख्या बहुत कम है, उसमें से एक है जो कि अतिक्रमण संबंधित है। ये लगभग सारे वार्ड की समस्या है, गाय जोड़ने से संबंधित समस्या है। यदि आपके माध्यम से शहरवासियों को ये पता चले कि गाय जोड़ना कितना कष्टकारी है दूसरे लोगों के लिए, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कोई वैसा एक जगह सुनिश्चित करे, नहीं तो निगम उस पर कुछ अपना एक्शन लेगी, कुछ कार्रवाई करेगी कि आप अपने नियत जगह पर ही गायों को रखें, यत्र तत्र ना छोड़ें, और अपने जो उनका जो गोबर है या उनका जो मूत्र है उसको सही से निस्तारण करें, नहीं तो निगम उस पर कार्रवाई करेगी। सुल्तानगंज में 3 बच्चों की मां को इस का बुखार चढ़ा और बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला सुल्तानगंज प्रखंड के भीरखुर्द पंचायत के वार्ड नंबर 3 से प्रकाश में आया है। भीरखुर्द पंचायत के रहने वाले दिलीप कुमार रंजन ने बताया कि 2009 ईस्वी में खड़िया पिपड़ा गांव के रहने वाले स्वर्गीय अर्जुन मंडल के पुत्री कविता कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई, जिससे 3 बच्चे हैं। शादी के बाद से हमारी पत्नी कविता कुमारी फोन पर अपने प्रेमी के साथ बातचीत करती थी, साथ ही मना करने पर वो बात नहीं मानती थी, जिसके बाद घरेलू विवाद होने लगा, जिसके बाद मेरी पत्नी 2 वर्ष पूर्व घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। वहीं अब मेरी पत्नी कविता कुमारी ने थाने में झूठा आवेदन देकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। वहीं जब पुलिस के द्वारा दोनों को साथ रहने के लिए कहा गया फिर भी मेरी पत्नी घर में नहीं रह रही, इसके लिए गांव में मुखिया सरपंच की तरह पंचायत भी बैठाया गया, तब पर भी बात नहीं मानी गई, जिसके बाद महिला कोर्ट में भी आवेदन दिया गया, लेकिन मेरी पत्नी कविता कुमारी बात नहीं मान रही और कह रही है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही रहेगी और अब ऐसी पत्नी को रखने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। यह हुआ कि मतलब जो कि हमको जानकारी हुआ दूसरे लड़के से बात करते हुए मना करते हुए। कब शादी हुई थी आपकी? 2009 में। कहाँ हुई थी? खरिया पिपरा जो कहते हैं। इनकी बेटी है? अर्जुन मंडल, स्वर्गीय अर्जुन मंडल। इनकी कौन है? पुत्री है। क्या नाम है? कविता देवी। तो 19 हुआ था? हाँ। क्या शादी हुआ था? हिंदू रीति रिवाज से हुआ था शादी हुई थी। शादी हुई थी
उसके बाद तीन बच्चा है। क्या क्या नाम है? अभिषेक कुमार, आकांक्षा कुमारी, ओम कुमार। जी जी, कितने साल का बच्चे हैं आपके? एक 12 साल का है, एक 8 साल का है, एक 4 साल का है। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अब कहाँ है ना हमको पता नहीं है। कितने दिन से छोड़ के है? 3 साल से। ने बच्चे को छोड़ के? हाँ हा? हाँ। किसको छोड़ के? बच्चे को छोड़ के 2 साल से, मतलब जो है कि वो फरार है। क्यों फरार है? वो दूसरे लड़का से कुछ मतलब जो है कि बात उत करने के बाद उसको वो लेके चले गए। तो फैक्ट्री में वो भी काम राजस्थान गए, उसके बाद जो है कि धागा फैक्ट्री में काम किया, दोनों मिल के काम किया, वहीं रहता था। फिर वहाँ से आके यहाँ आया तो उषा मैडम के यहाँ काम करने लगा। वहाँ जब हम जब गए तो उषा मैडम भी मेरे को धमकी दिया कि पुलिस कंप्लेन करवा देंगे, ये करवा देंगे। तो बाद हम वहाँ से चले आए। आप दोनों में बात हुई तो मना कर रहे थे आप लोग? हाँ। कि बात नहीं करो? हाँ, बात नहीं करो। किसको? पत्नी को? पत्नी को। तो आप दोनों में मारपीट हो रही थी? मारपीट नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? खाली वो जत को जत हुआ, बोले कि काय को उससे बात करते हैं, बात मत करो उससे। वो नहीं माना, उसी में चले गई। हाँ, उसी में चले गए। और जो है कि 7:30 बजे रात में यहाँ से निकला हुआ है, और जो है कि बगल में ही सोया, हमको मालूम नहीं पड़ा कि किसके यहाँ है। इसके लिए थाना में रिपोर्ट किया गया था? हम तो नहीं किए थे, हम जो है कि कोर्ट में हम किए थे, महिला कोर्ट में हम किए थे। तो वो की थी क्या? हाँ, वो किए थे। और जो है कि हमको किरण मैडम यहाँ आए थे, हम घर में नहीं थे, तो मतलब जो है कि हम उधरे थे, तो आए घर तो मम्मी हमको बोला कि पुलिस आए थे। तो उसके बाद बोला कि ठीक है, हम कल हम चले जाएंगे। फिर अपने मन से हम वहाँ गए, उसको बाद जो है कि मारा पीटा वहाँ हमको। क्या लगता है, क्या सही बात बोला है कि झूठ बोला? क्या बोला? झूठ बोला, बोल के हमको मार खिलवाया है वहाँ, झूठ बोल के। हाँ, और जो है कि उसके बाद जो है कि 2 लड़का भी वहाँ थाना में लेके आया, हम बोलने के लिए चाहे, किरण मैडम बोलने नहीं दिया, खाली मारता था वहाँ। तो क्या उसको बोला घर आने के लिए? घर आने के लिए बोला, वो बोला कि वो आया, फिर जो है कि मुखिया के वहाँ जो बॉन्ड जो बोलते हैं, बॉन्ड भर के रहना जाके। उस दिन भी फोन किया तो आया नहीं, आया किरण मैडम यहाँ, बोला कि हम आएंगे यहाँ, फैसला हम कर देंगे, लेकिन जो फैसला वो नहीं किया। मतलब जो कि नहीं, जब आया तो वो बोल दिया कि हम नहीं रहेंगे। तो इसका मतलब पुलिस का भी बात नहीं माना वो? नहीं, पुलिस उसको कहा था घर आने? हाँ, लेकिन नहीं आया। नहीं आया, फिर जब वो चले गई। अच्छा अच्छा अच्छा, आई और फिर चले। हाँ, एक आध दिन रहा यहाँ। आप लोग रखने के लिए तैयार हैं? हाँ, रखने के लिए हम तैयार थे उस समय में, रखने के लिए तैयार हैं। अब रखने के लिए हम तैयार नहीं। दूसरे लड़के के साथ जब ओसा कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हमको भी मारपीट करवा दिया था सुल्तानगंज में। तो आप रखने के लिए तैयार नहीं है अब? नहीं, अब हम रखने के लिए हम तैयार नहीं है। आप लोग कोर्ट में गए हैं? हाँ, हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने एक बार भेजा उसको, उतना भी बावजूद भी करते हुए हम उसको रखने के लिए तैयार थे। अब रखने के लिए हम तैयार न है। भागलपुर में मुहर्रम का त्यौहार शांति व सौहार्द के साथ मनाने के लिए शांति समिति की बैठक भागलपुर की समीक्षा भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता SSP आनंद कुमार कर रहे थे। बैठक में नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, DSP, SDO, DDC, ADM के अलावे शांति समिति के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व सभी थानों के थानेदार, सब इंस्पेक्टर मौजूद थे। SSP ने बताया कि मुहर्रम को शांति व सौहार्द तथा भाईचारे के साथ मनाने के लिए हम लोगों ने सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था कर ली है। हमें जनता से भी उतने ही सहयोग जितनी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं, तभी शांति व सद्भाव से पर्व त्योहार मनाया जा सकता है। नौगछिया SP ने बताया कि पिछले दिनों दुर्गा पूजा के समय नौगछिया क्षेत्र में भी 2 समुदाय में छिटपुट आपसी झड़प हुई थी। उम्मीद है इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों तक सहयोग करने की अपील भी पुलिस के द्वारा की गई है। और उसमें मुहर्रम की तैयारियों की समीक्षा की थी। और मुहर्रम में जितने भी हमलों की जो आशंका थी कर सकते हैं, उनके खिलाफ 60% किया गया है और लगभग 40% लोगों को ऑलरेडी बाउंड आउट किया जा चुका है। और इसके साथ साथ जितने जुलूस निकल रहे हैं सभी को लाइसेंस लेकर किया जा रहा है, और एक एक जुलूस के जो रूप है उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ उस पर हम लोग जो भी मुहर्रम के जुलूस है उस
उसको नज़र रखने के लिए स्पेशली ड्रोन्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम लोग को एक बड़ी पिक्चर सामने आ सके कि भीड़ में कौन क्या कर रहा है, और उसकी फोटोग्राफी भी लगातार होती रहेगी, वीडियोग्राफी भी लगातार होती रहेगी, ताकि अगर कोई कुछ गड़बड़ी करने का प्रयास भी करते हैं तो उसके खिलाफ़ हमारे पास जो वैज्ञानिक साक्ष्य है वो संकलित ताकि उनके खिलाफ कानूनी। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पूरे साल भर किस तरह कार्यक्रम किए जाएं और बच्चे इससे अपने विश्वविद्यालय की सेवा के प्रति कैसे सजग हो, देश के प्रति कैसे सजग हो, इस पर वार्ता की गई। साथ ही साल भर के कैलेंडर को भी तैयार किया गया। वहीं NSS के बच्चे किस तरह बढ़ चढ़कर सभी कार्यक्रमों में हिस्सा ले, उसके लिए रूपरेखा तैयार की गई। बैठक विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर जवाहरलाल की अध्यक्षता में की गई। कार्यक्रम में NSS के पदाधिकारी और ग्रुप लीडर भी मौजूद थे। प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को दिया गया, ये शिक्षा दी गई, एक टाइप का ट्रेनिंग दिया गया कि आपको NSS के अंतर्गत कैसे काम करना है, क्या करना है, कब करना है। और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी जो विभिन्न महाविद्यालयों में हैं, उसके साथ साथ NSS वॉलेंटियर्स के जो लीडर्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको ये बताना कि क्या NSS है, इसका उद्देश्य क्या है, किस प्रकार समाज सेवा में, राष्ट्र सेवा में उनकी भूमिका है। मैंने बताया NSS प्रोग्राम ऑफिसर को कि राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा फ्रंट है यानी जहाँ पर आप अपना नाम कमा सकते हैं, आप अपने विश्वविद्यालय का कॉलेज का नाम कमा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि NSS का कार्य अगर कॉलेजों में, महाविद्यालयों में अच्छा हो, विश्वविद्यालय स्तर पर अच्छा हो, तो NAC एक्रेडिटेशन का सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए सभी को मैंने ये कहा कि अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करें। यहाँ पर जो अभी 15 अगस्त को हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होगा, सभी NSS के वॉलेंटियर्स का वो क्या बोलता है परेड होगा, सभी अपना अपना कॉलेज का परेड करेंगे, और जो इसके स्थापना दिवस होगी मैंने वो स्थापना दिवस के अंतर्गत फोटो प्रदर्शनी होगा, सभी महाविद्यालय अपने कॉलेजों का जो बेस्ट कार्यक्रम है वो फोटो लगाएंगे, और जिससे पता चलेगा कि कौन अच्छा किया, और उस दिन जो अच्छे प्रोग्राम ऑफिसर हैं और साथ साथ जो अच्छा कैडेट्स हैं मैंने उनको भी हम लोग। भागलपुर के महेसी से एक अलग ही घटना सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक दिव्यांग वृद्ध की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया, जिसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल वृद्ध दिव्यांग की पहचान महेसी के रहने वाले अरविंद मंडल के रूप में हुई है। पुलिस की पिटाई से घायल अरविंद बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसको लेकर उसके परिजन काफी आक्रोशित दिखे और गाँव वालों के साथ घंटों सड़क को जाम कर दिया और इलाज की मांग करने लगा, साथ ही साथ न्याय की भी गुहार लगाने लगे। परिजनों का कहना है कि पुलिस इस निर्मम तरीके से दिव्यांग को क्यों पीटा, क्या कारण था। घंटों मुख्य सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिसके बाद महिषी की मुख्य प्रतिनिधि ने पीड़ित परिजनों को समझा बुझाकर सड़क से जाम हटवाया। बता दें, दिव्यांग घायल वृद्ध अरविंद मंडल की बेटी पुतल कुमारी ने बयान दिया है कि मेरे पिता को पुलिस ने बेवजह बेरहमी से मारा और वहां से चलते बने। वहीं घटनास्थल पर थानाध्यक्ष प्रियरंजन, BDO मनोज कुमार मुर्मू, मुखिया प्रतिनिधि खगेन्द्र पासवान पहुंचे। मुखिया द्वारा परिजनों को समझाने के बाद सड़क जाम को तोड़ा गया और घायल को इलाज के लिए रेफर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उचित इलाज के लिए भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा शराब के छापेमारी के दौरान यह घटना घटित हुई है, हालांकि छापेमारी के दौरान कोई शराब बरामद नहीं हुआ। और पूछे मत, कुछ नहीं की भाड़ में नहीं की, कौन बाहर वाला आदमी है जो दारू पीता है, जब देखे और कौन बेचता हमको सब बताइए, नहीं बताए उसको डंगा दिए। कौन डंगाया? पुलिस ने डंगाया जो रहता है चौकीदारी करते हैं। किसको डंगाया? पापा जी को। क्या नाम है? अरविंद मंडल। कहाँ का रहने वाला? मैं इसी का, मैं इसी तिलकपुर का। वो पुलिस डंगाया? हाँ, पुलिस डंगा के चलती हूँ, पकड़ाते तो पकड़ाए न, चल दिए हम लोग घर में अंदर में। क्या हुआ इसको? इसको मैं तबियत पहले से खराब था और ऊपर पर से डंगा के चल दिए। तो क्या हुआ? विकलांग आदमी है, चोट लगल है, सगर डंगा के चल दिए। घायल है? घायल है, घायल है, इधर फूल गया है, घायल है, मार के चल गए। और उसके बाद रुकता तब हम तो जाम लगाए रोड पे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा पुतल कुमारी। कितना देर जाम रहा रोड? जाम 3 घंटा लगा है। 3 घंटा से बेसी भी हो गया। कितना देर जाम लगा है? 3 घंटा से बेसी। तो वहाँ पे जाम, वहाँ जो और भी कुछ हुआ था क्या? और कुछ नहीं, जाम लगल था कि जाम तोड़वा दिए मुखिया जी और पुलिस आए हैं, बोले कि आप देते हैं रिक्शा की ठीक हो जाएगा, ठीक करवा देंगे। और अभी मुखिया जी ने आया ठीक करवाने के लिए। कितना देर के बाद मुखिया मुखिया जी का आश्वासन पे तोड़े और यहाँ लेके आए? मुखिया जी का आश्वासन तो जाम टूटा। हाँ, मुखिया जी तोड़वाए हैं। मुखिया जी की नाम
खगंदर पत्नी वो लड़की लड़की लेडीज छे ना मुखिया तरह पंचायत और पत्नी छे खाजो मुखिया जो है तोरवाया जाऊं प्रतिनिधि हो गया ना मुखिया का वही उसको धोपो के नहीं तोड़ेगा तो बोल के नहीं आप लोग का क्या कहना क्या मांग है भागलपुर की जगदीशपुर में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर के द्वारा अपने विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लगाकर स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह बाधित कर दिया गया। सबसे पहले सुबह 9 बजे अस्पताल खुलते ही ओपीडी सेवा को बंद करा दिया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर बैनर पोस्टर लगाकर मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया गया और आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी आरंभ कर दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी बृजभूषण मंडल ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वास्थ्य सेवा को बाधित कर दिया गया है। बहुत रिक्वेस्ट करने पर इमरजेंसी के मरीज को गेट के अंदर आने दिया जा रहा है, बाकी ओपीडी सहित सभी सेवा ठप कर दिया गया है। जहां तक कि वैक्सीन वितरण के लिए जो गाड़ी जाना था उसे भी आशा कार्यकर्ताओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे जाने नहीं दिया। मौके पर आशा कार्यकर्ताओं ने नाराबाजी के दौरान कहा कि 1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं, आशा कार्यकर्ताओं का शोषण बंद करो आदि के नारे वो लोग आते रहे। हड़ताल को हड़ताली लोग 10 बजे के आसपास शुरू किया, 9 बजे करीब हमारा जो वैक्सीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जाना था गाड़ी 8 बजे उसको जाने में थोड़ा प्रोसेस कर दिया, नहीं जाने दिया। कुछ आशा लोग आकर तो उसको रोक दिया, गाड़ी पर बैठ गया, नहीं चलाने दिया। उसके बाद 8 बजे 9 बजे से ओपीडी बंद करवाया। ओपीडी बंद होने के बाद गेट में ताला मार दिया और दोनों तरफ ताला मार करके गेट पर बैनर पोस्टर लगा करके इसलिए बंद कर दिया। ओपीडी बाधित रहा कंप्लीट और इमरजेंसी का दुका भी आ रहा है। अभी थोड़ा देर में बहुत रिक्वेस्ट किए हैं तो गेट खोल रही है।